छठ पूजा या सूर्य षष्ठी सूर्य देव की आराधना व संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए मनाई जाती है। इस त्यौहार को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ मैया भगवान सूर्य देव का यहाँ पर मुख्य त्यौहार होता है। इस दिन ये 4 दिन तक चलता है। बिंदुसार तीर्थ में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महीपाल था। महीपाल धर्म कर पर भरोसा नहीं करता था और पूजा का विरोधी था। महीपाल ने एक बार जानबूझकर भगवान सूर्य की प्रतिमा के सामने ही मल मूत्र का त्याग कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। ऐसा होने के बाद वो अपनी जिंदगी से निराश होकर गंगा जी में डूबकर मरने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको मुलाकात महर्षि नारद से हुई। नारद जी ने महीपाल को रोककर पूछा कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। महीपाल रोते हुए बोला कि मेरी जिंदगी दुर्भर हो गई है, इसलिए मैं गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। नारद बोले कि मूर्ख इंसान, तुम्हारी ये दशा भगवान सूर्य देव का अपमान करने की वजह से हुई है। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो कार्तिक महीने की सूर्य षष्ठी को पूरे विधि विधान से व्रत करो और इस व्रत के असर से तुम्हारे सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। महीपाल ने नारद जी की बात मानी और ये व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वो सुखी होकर उसके दुखों का अंत हो गया और वह सुखी हो गया। पूजा विधि। इस व्रत को रखने के एक दिन पहले सामान्य भोजन करना होता है। इसके बाद सूर्य षष्ठी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल समर्पित किया जाता है। सूर्य को जल देने के साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही धूप दीप लाल फूल कपूर आदि से उनका पूजन किया जाता है। इसके साथ पुराणों में कहा गया है कि व्रत वाले दिन स्नान करने के बाद 7 तरह के फलों, चावल, तेल, चंदन और दुर्वा को पानी में मिलाकर उगते हुए भगवान सूर्य को जल दिया जाता है और इस दिन सूर्य भगवान के मंत्रों का 108 बार जाप करना जरूरी होता है। ये मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे मन से करती हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी रखा जाता है और जिन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए होती है वो भी इस व्रत को रखते हैं। तो इस व्रत का विशेष महत्व है। इस पर कई तरह की पुरानी कथाएं प्रचलित हैं जिनमें से ये एक है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।